अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवीद अवास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रिश्ते। तो दोस्तों, अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए रिश्ते की तलाश में हैं तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ ये डाइवोर्स लड़की का रिश्ता है जिसकी एक बेटी है और ये कराची से बिलोंग करते हैं। तो बगैर वक्त किए बढ़ते हैं आज के इस प्रपोज़ल की डिटेल की जाने। तो दोस्तों, अगर कास्ट की बात की जाए तो ये सदीकी कास्ट फैमिली की बेटी है। उम्र की बात की जाए तो 24 साल लड़की की उम्र है, 5.4 लड़की की हाइट है, मैरिटल स्टेटस लड़की का है जो डाइवोर्स है, 4 साल की लड़की की जो है वो एक बेटी है, कलर काफ़ी फेयर है और लड़की काफ़ी माशाल्लाह से स्मार्ट है और वेल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड है इनका। एजुकेशन की बात की जाए तो इंटर एजुकेशन है लड़की की, मादरी जबान जो है लड़की की उर्दू है। एक बहन एक भाई है, कराची शहर में ये रहते हैं। कराची में ज़ाती इनका अपना डबल स्टोरी घर है और ज़ाती लड़की ने अपनी गाड़ी भी रखी हुई है। इसके अलावा लड़की के जो वालिद हैं वो बिजनेस मैन हैं, अपना उनका बिजनेस है। इसके अलावा वालदा जो है वो हाउसवाइफ है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इनकी रिक्वायरमेंट इनकी डिमांड की जानिब। उससे पहले आप सब दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आप सब दोस्तों को नए आने वाले रिश्तों की अपडेट्स जो हैं बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों मैं जिस भी रिश्ते की वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप उस रिश्ते की वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लिया करें, मुकम्मल देख लिया करें और उस रिश्ते के रिलेटेड उसकी जो रिक्वायरमेंट उनकी डिमांड होती है वो भी एक बार समझ लिया करें। उसके बाद मैं अपना वीडियो के एंड में ही या बीच में जब मुझे बेहतर लगते वहाँ पे मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आप सब दोस्तों से। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता तब किया करें जब आप जिस भी रिश्ते में इंटरेस्टेड होते हैं तो उसकी पहले मुकम्मल मालूमात डिमांड डिटेल सुन लिया करें तो आपको आगे बात करने में आसानी और उसमें आपका भी वक्त बचता है, लाजमी बात है, और हमारा भी बचता है। क्योंकि जब हम नंबर देते हैं तो आपको पता है मेरे जो फेसबुक पे ग्रुप है उसमें 38,000 से ऊपर इस वक्त जो करंट फॉलोअर चल रहे हैं, तो जब नंबर हम शेयर करते हैं तो इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं तो काफ़ी हम डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि हमारा सिर्फ ये काम नहीं है, मैं इसके अलावा भी अपनी जॉब भी करता हूँ तो पार्ट टाइम में ये काम भी करता हूँ, आप दोस्तों के लिए ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें आप जिस भी रिश्ते में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो ज़रूर आपके मैसेज का आपको रिस्पांस दे दूंगा। तो आप बिना परमिशन के बिना इजाज़त के जब मुझे ज़रूरी लगेगा कि आपसे बात करनी है तो उस वक्त मैं आपको ख़ुद भी कॉल बैक कर लूँगा। तो आप वॉइस मैसेज कर दिया करें जिस रिश्ते में आप इंटरेस्टेड होते हैं, उसका स्क्रीन शॉट बना के मुझे भेज दिया करें। आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट करके मज़ीद और रिश्ते भी इसके अलावा भी देख सकते हैं। आप पाकिस्तान में या बैरून मुल्क कहीं भी रिश्ता करना चाहते हैं तो मेरे पास पाकिस्तान के हर सिटी से बैरून मुल्क से भी रिश्ते मौजूद होते हैं। तो आप अगर Facebook पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे मैं जो रिश्ता अपलोड करता हूँ उसकी डिटेल वगैरह Facebook पे भी आती रहती है। Facebook पे मेरा पेज है ऑनलाइन रिश्ते के नाम से। अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करना चाहते हैं तो Instagram पे आप ऑनलाइन रिश्ते लिखेंगे तो आपके सामने मेरा Instagram का पेज भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इनकी रिक्वायरमेंट इनकी डिमांड की जानिब। तो 30 से 35 साल के दरमियान के लड़के का रिश्ता रिक्वायर्ड है फैमिली को। लड़का सिंगल हो ज़्यादा बेहतर है, अगर डाइवोर्स भी हो तो इशू नहीं है, लेकिन जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो या डाइवोर्स हो, बेशक लड़के के पास एक आध बच्चा भी हो तो कोई इशू नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगी। एक आध बच्चा भी हो जिसके पास, लेकिन दूसरी शादी नहीं उससे करेगी कि जिसकी पहले वाइफ मौजूद हो। जिसकी डाइवोर्स हो गई हो, एक आध बच्चा भी हो या बेटी हो बेटा हो, क्योंकि इसके अपनी 4 साल की बेटी है तो इसे इशू नहीं है। ये अगर कोई इसकी बेटी एक्सेप्ट कर लेता है तो एक आध बच्चे वाले से भी ये कर लेगी, लेकिन फैमिली जो है वो वेल सेटल्ड होनी चाहिए। लड़का जो है वेल एजुकेटेड हो, वेल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए लड़के का। इसके अलावा लड़के के पास जो है अच्छी जॉब होनी चाहिए, घर लड़के के पास जाती होना चाहिए। अपर क्लास फैमिली से ये लड़की बिलोंग करती है तो अपर या अपर मिडिल क्लास फैमिली जो है उससे बिलोंग करता हो लड़का। लड़के की जो हाइट है 5'6" से 6' के दरमियान लड़के की हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा लड़का जो है वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता हो। तो दोस्तों, ये थी आज के इस प्रपोज़ल की डिटेल और ये उनकी रिक्वायरमेंट।
उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई रिलेटिव जो कि सिंगल है या डाइवोर्स है, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उसे ज़रूर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें या उसका मुझसे रब्ता करवा दें, तो मैं सेकेंड मैरिज भी उसके लिए अरेंज करवा दूँगा। मेरे पास हर किस्म के रिश्ते मौजूद होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, हर किस्म के रिश्ते मौजूद होते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर लें, 03457646849, 03457646849, 03457646849, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रपोजल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने दिया।